ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती मनाई गई। प्रधान विकास सिंगला बोले, शहीद भगत सिंह ने उन्होंने अपना सारा जीवन देश की आजादी को समर्पित कर दिया। ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी अम्बाला की ओर से क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें अपनी संवेदनाएं प्रकट की और श्रद्धांजलि अर्पित की। यह जयंती ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी प्रधान विकास सिंगला की देखरेख में मनाई गई, जिसमें समस्त पदाधिकारियों ने भाग लिया और प्रधान विकास सिंगला ने इस बात पर अमल किया कि शहीद भगत सिंह की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देश में क्रांति लाने के मजबूत इरादों से अंग्रेजों के शासन को झकझोर कर रख देने वाली क्रांतिकारी नौजवान को आज एक कृतज्ञ राष्ट्र याद कर रहा है। प्रधान विकास सिंगला ने शहीद भगत सिंह लेखक भी थे। भगत सिंह एक अच्छे वक्ता, पाठक, लेखक और पत्रकार भी थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, बंगला और आयरिश भाषा के बड़े विद्वान थे। उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में आयरलैंड, फ्रांस और रूस की क्रांति के बारे में गहरा अध्ययन कर लिया था। भगत सिंह को भारत में समाजवाद का पहला प्रवक्ता माना जाता है। आज ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी अम्बाला की ओर से शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण की गई और इसके अंदर सभी सदस्य मौजूद रहे एग्जीक्यूटिव मेंबर के। और ये एक बहुत ही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया जहाँ पर शहीद भगत सिंह जैसे वीर जाबाज ने जन्म लिया। और इनके किए गए कार्य को हम कर तो नहीं सकते, लेकिन इनके जैसे कार्य करने का हम एक जज्बा रख सकते हैं। और आज हमने सभी सदस्यों ने उनको याद करा और उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए हम लोग प्रेरित हुए हैं। और हम उस वीर माँ को भी शत शत प्रणाम करते हैं जिसने एक ऐसे वीर को जन्म दिया और जिसने ब्रिटिश राज के सरकार के अंदर एक कील ठोकने का काम करा, जिससे आज हमें आज़ादी मिली है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमें अपने देश के लिए सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए और अपना देश के लिए कर्तव्य समझना चाहिए। और कोरोना महामारी के अंदर एक मैं विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि अब इस बीमारी से अब हमें डरना नहीं है और इससे इसको भगाना है। सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर रखें और मास्क लगा के रखें और शहीद भगत सिंह जी की आज जन्मदिवस पर हम सबको एक प्रण लेना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।